हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखना सीखा। इस पाठ में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बबलू बहुत शरारत करता है और अक्सर दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाता है। एक दिन बबलू के सपने में एक परी आई और उसने बबलू से कहा कि अगर वो अपनी शरारतें बंद नहीं करेगा तो शरारत करने पर उसकी नाक लंबी हो जाएगी। अगले दिन जब बबलू अपनी नींद से जागा तो उसने सोचा कि वो तो केवल एक सपना था और वो रोज की तरह अपनी शरारतें कर सकता है। बबलू ने राजू का मजाक उड़ाया और तुरंत उसकी नाक थोड़ी लंबी हो गई। बबलू घबरा गया। दिन भर में वो शरारतें करता रहा और उसकी नाक लंबी और लंबी होती गई। रात में बबलू बहुत दुखी होकर सो गया। उस रात उसके सपने में फिर से परी आई। बबलू ने परी से पूछा कि वो अपनी नाक फिर से ठीक कैसे कर सकता है। परी ने उसे कहा कि उसे शरारत नहीं करनी होगी और साथ ही साथ दो रातों में परी के पूछे पहेलियों के उत्तर देने होंगे, तभी उसकी नाक फिर से ठीक हो पाएगी। परी ने बबलू को ये नंबर दिखाए और कहा कि इसको जोड़ का इस्तेमाल कर तीन अलग अलग तरह से 71 की संख्या बनानी होगी और ध्यान रहे एक बार में सिर्फ दो अंक ही आने होंगे। अगले दिन बबलू पूरा दिन उदास घूमता रहा और फिर उसने कोई शरारत भी नहीं की, लेकिन वह परी के पहेली का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा था। दिन के अंत में उसने चंदा से मदद मांगी। चंदा ने पहले 11 और 60 जोड़कर 71 बनाया, फिर 70 में एक जोड़कर दूसरी तरह से 71 बनाया और अंत में उसने 21 और 50 जोड़कर 71 को तीसरी तरह से बनाया। बबलू ने चंदा के बताए उत्तर रात को परी को दिखाए। चंदा के जवाब सही थे। परी ने बबलू की नाक थोड़ी छोटी कर दी और ये अगले नंबर से फिर तीन तरीकों से इस बार 99 की संख्या बनाने को कहा, लेकिन इस बार एक बार में सिर्फ 3 अंक ही लेने हैं। बबलू ने गग्गू के बताए उत्तर रात को परी को दिखाए। गग्गू के जवाब भी सही थे। परी ने बबलू की नाक बिल्कुल ठीक कर दी। बबलू ने अब कभी शरारत नहीं करने की कसम खाई है। बच्चों, इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।